के बाड़ू, अरे गजब ढीठ बनबा, हमरा घर में आके हम ही से पूछ रहल बाड़ू कि हम के हैं। पहले तू दोनों लोग बतावा तू के हो। हम ई घर के मालकिन हैं। अच्छा, प्रीतम जी अपन घर बेच देलन और हमरा के बतावल नहीं है। ई का बकवास करत आरू, हम ई घर के मालकिन आज से ना पहले से हैं। हम उनकर मेहरारू हैं। हाँ, और मार बढ़नी के हमार बेटी ई है और वो हमार दामाद हवन बुझलू। अरे हमार सुमन बिटिया और हमार प्यारे सरकारी ना जायज मेहरारू हैं। बुझला बुझला। देवी जी तो बड़ा पानीदार बाड़ी हो मनसुखी लाल। अब रउआ का कहतनी, अरे वर्षा प्रीतम के जायज पत्नी हई। अब प्रीतम वर्षा के जायज पति हवन। हाँ, प्रीतम हमार पति है। इकरा मतलब हमरा जाए के बाद वो तोहरा से शादी कर ले। पहली पत्नी हम। सुमन तुम तो के हम कितना खोजनी, हमके लगल कि तू दुनिया में। हम नदी के तेज धारा में बह गए रही, हमके कुछ मछुआरा मिलके बचवनी। जब चले लायक बहनी तो भाई के पास गई नी और यहाँ आई नी। पता चलल कि तू इतना जल्दी तो उसे शादी कर लेना। के गलत मत समझा सुमन, माई के जीत खातिर हम मजबूरी में शादी कर लेंगे। मजबूरी में? बाकी तू हमरा से प्यार ना करेला? तोरा से कैसे प्यार करियन? हम इनकर पहली पत्नी हैं कि हमरा से प्यार करियन? अरे शादी कर ले बाड़न, प्यार तो करे ही की पड़ी। बुझलू की विस्तार में समझाए। हमार दिमाग मत गरम करा, हमरा के अच्छे से समझावे आवे ला। सुमन तू लोग दोनों जानी हमारे जायज मेहरारू बाड़ू। फिलहाल घर में शांति रखा, हम सोचा तो निकाह करे के बाद। ना ऐसा हो ये नहीं खिसा, हम अपन सौतन के साथ हरगिज ना रहब। अरे तो तोहरा साथे रहे खातिर के मर रहल बा। अरे दोनों जनी शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हम सब समझत बानी कि का मसला बा। अब कौनो ऐसा रास्ता निकाले के पड़ी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, तो मारा अपन नागिन बेटी के और ले जाए जासे। हमरा माई से तू जबान संभाल के बात करा, ना तो का कर ले वो। कंट्रोल वर्षा, तू बरसल बंद करा। सुमन जी तू शांत रहो, तोहरा लोग के समस्या के समाधान हमरा लगे बा। सुना सुना सुना, जब भगवान श्री कृष्ण के 1600 रानी रहली, एकाध को कम ज्यादा हो सकता कि गिनती करे वाला मिस्टेक के लिए होके, तो जब महाराज 1600 रानी के साथ रह सकता रहे
तू लो पति पत्नी बन के प्रेम से नहीं खुरा सकत। भगवान गणेश के दूदू गो रानी रिद्धि या सिद्धि तो तू लो दोनों आदमी अपन जीवन एक साथे मिलजुल के नहीं खू निकाल सकत है। रउआ का कल चतनी दामाद जी, हम कहे के यह चाहतनी कि जब राजा महाराजा लो भगवान लो इतना कुली मेहरारू रख के साथे अपन जीवन चला सकता तो रउआ लोग इनके एडजस्ट करे में कोनो दिक्कत बा ना? ये तो कोनो हल में ना हो सकेला। और एक मियान में दो तलवार ना रह सकेला। मियान की असली तलवार हम हैं, तो हम ही रहो। बेटी, एगो मयान में दूगो तलवार कैसे फिट होई? सोचा तनी हम। बेटी, समय की नजाकत के समझा, अब तू दोनों बहन खूब प्रेम से बहन बन के अपना जीवन के निकालो और एगो मिसाल कायम करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शादी ब्याह करके खुशी से रह सके। वाह, क्या सौतन और कितना बड़ा घर, क्या आइडिया है। बेटी अब मनसुख भैया ठीक है कहत बाड़े। अब एक काम करा, तू दोनों बहन जल्दी से जाके चाय नाश्ता बना के ले आवा, सबके खियावा। अरे जा, अरे जा ना बेटी। दामाद जी, अब आप काहे मुंह लटकाए हुए हैं? समस्या के समाधान तो हम और रीता देवी जी मिल के कह देनी जा, ओकरा बाद भी हमनी के यही जा रहे जा। अगर समस्या फन उठौलस तो ओकरा के कुचल देल जा। काजी दामाद जी रहो, तंको चिंता मत करी, हमनी सब ठीक कर दे। हां